स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई सोविक चक्रवर्ती को समन भेज दिया गया है पूछताछ के लिए। यानी कि अब रिया चक्रवर्ती से उन तमाम सवालों के साथ सीबीआई पूछताछ करेगी जिनका जवाब काफी दिनों से जनता मांग रही थी। यहां तक कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने ढिलाई बरती और कहीं ना कहीं जो पूछताछ उन्होंने की सिर्फ और सिर्फ बिठाकर और जो सामने वाले की तरफ से जो सहूलियत बरती है, अब उसको देखते हुए कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो शक के दायरे में मुंबई पुलिस को भी खड़े कर रही हैं। और वहीं पर अगर देखें तो बड़ा खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया है दुबई कनेक्शन को लेकर। वही ड्रग्स माफिया का भी उन्होंने नाम उजागर किया है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। यह बहुत बड़ा खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी का है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जो पूछताछ अभी तक सीबीआई ने की है, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी से या फिर नीरज के साथ साथ जो केशव उनके उस वक्त मौजूद थे उनसे जो सीन रिक्रिएशन के साथ साथ उनसे पूछताछ हुई है, उसमें ये सामने आया है उनके जो बयान है वो काफ़ी अलग है एक दूसरे से। इसी बात से ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो कुछ अभी तक सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के पिता सुशांत सिंह राजपूत को दवाई देते थे और जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी तब वो दवा देते थे। और इससे पहले अगर देखें तो काफी ऐसी वीडियो सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, उसमें ये दावा किया गया है सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के पिता का काफी बड़ा रोल है इसमें पूरे मामले में। अगर देखें तो जो वो दवा देते थे उसमें भी ये कहा जा रहा था ऐसी दवाइयां सुशांत सिंह राजपूत को दी जा रही थी ताकि उनका मानसिक संतुलन खराब हो सके। और वहीं पर अगर देखें तो कुछ दिन पहले ही महेश भट्ट और मुकेश भट्ट का जो बयान आया था परवीन बॉबी को लेकर भी, उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया था, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी। और देखा मुकेश भट्ट ने जो ये चीज़ें बताई थी कि जैसे ही मैंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था मुझे बॉबी परवीन बॉबी की याद आ गई थी और उसी राह पर वो चल पड़े हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और वहीं पर जो स्क्रीनशॉट महेश भट्ट के और रिया चक्रवर्ती के वायरल हो रहे हैं उन सबसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी दिनों से इन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था। यूँ कहें तो जो दवाइयाँ दी जा रही हैं काफ़ी लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके पिता का नार्को टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद सच सामने आ जाए। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं हर किसी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें हैं कि क्या कुछ रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सीबीआई करेगी। अगर देखें तो 8 जून की लड़ाई जिसके बाद रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी और उस पर जो सर्वेंट है उसका बयान आ गया है, सीबीआई ने पूछताछ कर ली। उसने बताया कि काफ़ी गुस्से में रिया चक्रवर्ती उस दिन घर से निकली थी। लेकिन अगर देखें तो रिया चक्रवर्ती के वकील ने यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको घर से निकाला था और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी और उनके मौत से उनको सदमा लगा है। लेकिन अगर चीज़ें देखें तो बिल्कुल उसके उलट है। जो स्क्रीनशॉट महेश भट्ट के और रिया चक्रवर्ती के चैट के शेयर हो रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से निकलकर अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीबीआई इसके अंदर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। और उससे लेकर जो सवाल हम आपको बता रहे हैं ये सवाल हो सकते हैं जो सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। क्या सुशांत सिंह किसी बात को लेकर परेशान थे? आखिर उन्होंने जो ये उनके मौत को आत्महत्या बताई जा रही थी पहले ही दिन से, और अगर इस पर सबसे पहले थ्योरी अगर कोई लेकर आया था, मुकेश भट्ट ने ये थ्योरी सुनाई थी और उसके बाद ही ये कहा गया कि वो डिप्रेशन में थे और तमाम ऐसी चीज़ें। कुछ उनके समर्थक हैं जो बॉलीवुड गिरोह के, वो भी ये कह रहे थे कि आखिर जनता ये मान क्यों नहीं लेती कि वो डिप्रेशन में थे। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी और उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिर किसी बात को लेकर अगर वो परेशान थे तो वो बात कौन सी थी। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती 14 जून जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई उस वक्त वो कहाँ थी। और अगर देखें तो इसमें एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें समय नहीं बताया गया कि मौत किस समय हुई। और इसको लेकर कई डॉक्टरों का जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उसमें कई डॉक्टरों का ये कहना है कि जो मौत हुई वो 10 से 12 घंटे पहले हो गई है। यहीं पर कई सारी चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि बेहोशी की हालत में उनको फंदे से लटकाया जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारी ऐसी खबरें भी आ रही है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि जैसे कि सुनंदा पुष्कर के केस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी, उनके पेट में
एम्स के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान क्या पाया गया श्रीदेवी और सुशांत के केस में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुशांत के केस में दुबई का ड्रग आयाश खान उनसे मौत वाले दिन मिले थे, आखिर क्यों? यहाँ पर भी सवाल, और ये बड़ा सवाल उठता है कि जो ड्रग डीलर है उससे सुशांत सिंह राजपूत उनसे उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद ही उनकी मौत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, इससे ये दिखाई देता है कि इसमें काफ़ी कुछ है। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने भी ये दावा किया था, उन्होंने बताया था इसमें जो डी कंपनी है यानी कि अंडरवर्ल्ड उसका भी हाथ है। और सुशांत सिंह राजपूत का ये जो पूरा मामला अगर देखें, काफ़ी कुछ दिनों से जो चल रहा है। जिया खान की माँ रबिया खान का आप वो इंटरव्यू सुन सकते हैं जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब मैंने आवाज उठाने की कोशिश की थी तो मुझे धमकी मिली थी महेश भट्ट की तरफ से, उन्होंने कहा था कि तुम्हें भी इंजेक्शन लगाकर चुप करा देंगे। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसा है जो दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है, पीछे इसके कुछ ऐसा है जो बॉलीवुड दबाने की कोशिश कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला ऐसा हो गया है कि इसमें सीबीआई जांच कर रही है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो रिया चक्रवर्ती पे जो सीबीआई ने नकेल कसी है और जिस तरीके से पूछताछ की जाएगी और उनके भाई से कंपनी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी जो कंपनी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर बनाई और उसमें उनका भाई डायरेक्टर था और उसमें कई कंपनियों में पार्टनर भी हैं और इस तरीके से जो खर्चे उन्होंने किए उसको लेकर भी जो उनके हाउस हेल्प और जो भी उनके कर्मचारी थे उनका जो बयान आ रहा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती काफ़ी खर्चे करती थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत नाराज चल रहे थे। इन सब चीज़ों के चलते देखें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उन्होंने पहले भी रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया था और बताया 15 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर हुए थे उसको लेकर उन्होंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती ने ये पैसे ट्रांसफर करवाए। लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनके वकील लगातार ये कहते आए हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन अब जो उनके कर्मचारी बता रहे हैं उससे ये दिखाई देता है कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं काफी चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के चलते रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो काफी हद तक बढ़ गई हैं और इस वक्त सीबीआई ने पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती के पूरी फैमिली को समन भेज दिया और पूछताछ करने जा रही है। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो रिया चक्रवर्ती ने खुद ही सीबीआई जांच की मांग की थी और उसके बाद किस तरीके से सीबीआई के विरोध में ही खड़ी हो गई थी। तो इन सब चीजों से दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड में जो बड़ी बड़ी मर्डर मिस्ट्री हुई है और आज तक नहीं सुलझी, उसी तरीके से इस मामले को भी बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो पैसे ट्रांसफर किए गए और काफी कई नए नए एंगल से भी अब सीबीआई जांच कर रही है, पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है और उसी के साथ नेपोटिज्म मूवी माफिया को लेकर भी उसके एंगल से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं पर अगर देखें तो जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो पहले ही ईडी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कर चुकी है और उस मामले में ईडी भी जांच कर रही है। तो इन सब चीजों के चलते और जो नया ये दावा हो रहा है अंडरवर्ल्ड का, इस एंगल से भी सीबीआई जांच कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आखिर कौन कौन से सवाल जो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछे जा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ने 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसके बाद वो हॉस्पिटल गई थी और उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो इतने समय तक 45 मिनट तक हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, इसको लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत किस तरह की दवाई ले रहे थे और सुशांत को दवा रिया चक्रवर्ती ने सुझाई थी या फिर उनके पिता दे रहे थे, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। क्या आपने सुशांत की किसी डॉक्टर से मुलाकात करवाई थी, इसको लेकर भी अब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछ सकती है। और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत हिंदुजा अस्पताल में क्यों भर्ती हुए थे, ये भी सवाल सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछ सकती है। वहीं पर सीबीआई रिया चक्रवर्ती से तमाम वो सवाल पूछ सकती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या आपने सुशांत की फैमिली को ये जानकारी दी थी कि उनकी तबीयत खराब है? क्या आपके पिता ने सुशांत को कोई दवा लेने के लिए कहा था? क्या सुशांत के पैसे से जुड़े सारे निर्णय आप ले रही थी? सुशांत के साथ आपका रिश्ता कैसा था? क्या सुशांत की मौत के बाद आपने सुशांत की फैमिली को फोन किया था? क्या आप सुशांत की मौत के बाद उनके घर गए और आप कूपर अस्पताल के मुर्दा घर क्या करने गई थी, इसको लेकर काफी समय से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती का वहां जाना क्या कहता है। क्योंकि संदीप आपको याद होगा और कई उनके जो दोस्त थे वो रिया चक्रवर्ती के संपर्क में थे, यानी कि रिया चक्रवर्ती के और सुशांत सिंह राजपूत के
क्लोज फ्रेंड थे और उन लोगों की जो उस वक्त वहां पर प्रतिक्रिया आ रही थी, जिस तरीके से गतिविधियां आ रही थी सामने, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा। वहीं पर सिद्धार्थ पिठानी को लेकर काफी समय से ये चल रहा है कि इनका नार्को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े सवालों के कटघरे में वही खड़े होते, क्योंकि सबसे पहले गेट उन्होंने ही खोला था। और जो इस पर भी ये सवाल उठ रहे थे कि अगर कोई भी अपने रूम में सोता है तो वो दरवाजा बंद करके सोएगा, ना कि उसमें ताला लगाकर सोएगा, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसमें सीबीआई जांच कर रही है और खुलासा होगा कि आखिर ये क्या मामला था और क्यों चाबी वाले को बुलाया गया था। वहीं पर चाबी वाले से भी पूछताछ हुई है, सीबीआई ने पूछताछ की है, लेकिन ये जो अहम मुद्दे हैं इन पर सीबीआई की नजर रहेगी। इसी के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को, जो रिया चक्रवर्ती के तरफ से लगातार उनके फैमिली की जो अनबन रही है, क्योंकि अगर देखें तो अंकिता लोखंडे और तमाम ऐसे पहले उनकी जो गर्लफ्रेंड रही है उनसे और उनके फैमिली की काफी अच्छी बनी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके परिवार में पहले से ही अनबन रहती थी, जिस पर रिया चक्रवर्ती ने कई बार उनके परिवार पर आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ जो डीसीपी बांद्रा के डीसीपी से रिया चक्रवर्ती ने बातचीत की थी, उसको लेकर भी सीबीआई पूछताछ करेगी। उसी के साथ अगर बात करें सिद्धार्थ पिठानी से आप कब मिली, इसको लेकर सीबीआई पूछताछ करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। वहीं पर सीबीआई रिया चक्रवर्ती से ये भी पूछेगी कि क्या आपने सुशांत के घर से स्टाफ को नौकरी से निकाला, वहीं पर क्या आप पिठानी और सैमुअल मिरांडा के संपर्क में हैं, यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था, सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे कहां गए, खर्च हुए तो आखिर कहां खर्च हुए। यूरोप ट्रिप को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही थी और रिया चक्रवर्ती ने कई बार ये कबूला है कि वहां से ही उनकी तबीयत खराब हो गई, वहां पर उन्होंने एक चित्र देखा और जिसके बाद ही उन्होंने अपना मानसिक जो संतुलन था वो खो दिया और तमाम तरीके की चीजें कही जा रही थी। लेकिन जो उनके नौकर ने चीजें बताई हैं कि भूत प्रेतों की कहानियां रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में डालती थी और उसके बाद भी रिया चक्रवर्ती अभी भी ये सब चीजें बता रही हैं, तो इस एंगल से भी सीबीआई जांच कर रही है और इसीलिए सीबीआई स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी से भी पूछताछ करने जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अंतिम समय में जब सुशांत सिंह राजपूत को देखा था उन्होंने सॉरी बाबू बोला था और इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे, यहां तक सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि ऐसा क्या रिया चक्रवर्ती ने किया जिसके लिए वो सॉरी बोल रहे थे। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।